Rhino horn bike, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875, 0.4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। यहाँ उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था, जिसके कारण NH1 पर आवागमन अत्यंत कठिन हो गया था। 22 मई 1999 तोलोलिंग को कब्जा करने की जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडियर, 2 राजपुताना राइफल व 18 गढ़वाल राइफल को दी गई। 13 जून 1999 दो राजपुताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए तोलोलिंग टॉप पर फिर से तिरंगा लहराया। तोलोलिंग की जीत से उत्साहित हमारी सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल को कब्जा करने की जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडियर्स व 8 चीफ बटालियंस को दी गई। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुत्तम गुत्था की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई 1999 टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 और उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेवारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट व 2 नागा को दी गई। 4 जुलाई 1999 से लेकर 7 जुलाई 1999 तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में तीनों बटालियनों ने अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही तीनों चोटियों पर पुनः अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्योछावर कर दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल बटालियन व सब सेक्टर हनीफ में भी भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य की गाथाएं लिखी। बटालिक सेक्टर के खालवा हिल्स को कब्जा करने की जिम्मेवारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स को दी गई। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने इस लड़ाई में अद्भुत नेतृत्व व वीरता का उदाहरण दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाख स्काउट्स के वीर जवानों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेजर सुनम वांगचो व उनके बहादुर जवानों ने अपने जोश व साहस को कायम रखते हुए चोरबटला सेक्टर से दुश्मन को मार भगाया। मेजर सोनम वांगचुक को उनके अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। टुकटुक सब सेक्टर में कारगिल युद्ध की कुछ सबसे ऊंची चोटियों पर लड़ाई लड़ी गई। इस सेक्टर में दुश्मनों ने 0.5590, 5220 व 5770 जैसे फीचर्स में घुसपैठ कर लिया था। इस सेक्टर में भारतीय सेना की 11 राजपुताना राइफल्स, 9 महार, 13 कुमाऊं व 27 राजपूत बटालियनों ने अपने अद्भुत पराक्रम को दिखाते हुए दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दिया। टुकटुक सब सेक्टर को आज 11 राजपुताना राइफल्स की कैप्टन हनीफुद्दीन के नाम से सब सेक्टर हनीफ कहा जाता है। कारगिल की लड़ाई में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की।